फ्रेंड्स, आज मैं आपको दाल पोश बनाना सिखाऊंगी। और इसके लिए मैंने अपनी जो मेरे पास बची हुई ऊन थी वो ली है, और मैंने इसमें जो क्रोशिया है थोड़ा मोटा लिया है, 3.5 mm का। आपकी वूल की जो थिकनेस हो उसके हिसाब से भी आप अपना क्रोशिया हुक ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो वाइट का पहले हम इसमें व्हाइट से हम चेन बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। और जो इसका जो हमने फर्स्ट चेन बनाया था उसमें से ही हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है, और फिर चेन वन, फिर हम ऐसे थ्रेड को खींच के 4 times ट्रेल बनाएंगे। 2, 3 और ये 4। ये हो गया हमारा 1। फिर हम बनाएंगे चेन 2, फिर हम बनाएंगे अपना सेकंड 1, टू थ्री फोर। फिर से हमारे को थ्रेड को सेम तरीके से खींचना है। और ये हमारा हो गया सेकंड 1, 2। फिर इसमें हमारे को गैप देना है फिर से चेन 2 का। 1, 2, 3, 4। फिर चेन 2। इस तरह से देखिए मैंने ये 3 बना लिए, तो इस तरह से टोटल 8 बनानी है। मैं 8 बनाकर आपको फिर मिलती हूँ। देखिए ये रेडी हो गया। अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। अब हम इसको स्लिप स्टिच करके इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम अपना सेकेंड कलर यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने पहले पिंक लिया है। आप कोई और कलर भी ले सकते हैं। यहाँ बीच में से हम स्टार्ट करेंगे और फिर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशेट, फिर चेन, फिर सेम पैटर्न यूज करेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर चेन 2, फिर सेम स्टिच में दोबारा से बनाएंगे सेम स्पेस में। 1, 2, 3, 4। फिर चेन 2, चेन 2 का गैप देके फिर नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे फिर से 1, 2, 3, 4। फिर चेन 2, फिर सेम स्पेस में फिर से बनाएंगे।
वन टू थ्री फोर, सॉरी फिर चेन टू। इस तरह से हमारे को ये पूरे राउंड में करना है, एक स्पेस में हमारे को टू टाइम्स बनाना है और बीच में गैप देना है दोनों के उसमें चेन टू का। फिर नेक्स्ट भी बनाना है तो भी हमारे को चेन टू का गैप देना है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको यहाँ पर मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सेकेंड राउंड भी कम्प्लीट हो गया। अब इसको स्लिप स्टिच करते हैं। और यहीं कट करेंगे। पीछे से इसको पहले ही सिक्योर कर देते हैं। चलिए अब अपना थर्ड कलर लगाते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कलर लगा सकते हैं। फिर चेन वन, सेम पैटर्न, वन टू थ्री फोर। और चेन टू सेम स्पेस में फिर रिपीट करेंगे हम, वन टू थ्री फोर। ये हो गया। अब हमारे को इसमें चेन वन करना है और जो नेक्स्ट स्पेस है टू चेन वाला, इसमें हमारे को रिपीट करना है, वन टू थ्री और फोर। फिर चेन वन, अब हमारे को नेक्स्ट इसमें रिपीट करना है, वन टू थ्री फोर। चेन टू और सेम स्पेस में ही रिपीट करेंगे हम, वन टू थ्री फोर। फिर चेन वन। तो ये हमारे को जो है पूरे राउंड में बनाना है। जो स्पेस वाला है इसमें हमारे को सिंगल वन टाइम बनाना है, जो हमने डबल लीफ ली रखी है इसमें हमारे को डबल बनाना है और चेन वन बनानी है गैप देने के लिए। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स और मैंने पहले ही स्लिप स्टिच कर दिया है। तो अब हमारे को कट करना है। अब हम अपना व्हाइट कलर का वूल लगाएंगे। तो सिंगल क्रोशेट करेंगे
और चेन वन, और सेम पैटर्न को यूज़ करेंगे, वन टू थ्री फोर। फिर चेन टू, फिर सेम स्पेस में ही फिर से रिपीट करेंगे, वन टू थ्री फोर। फिर चेन वन, फिर जो हमने ये स्पेस देके बनाया था, एक लीफ बनाई थी सिंगल, तो उस अब हमारे को स्पेस में ना इस लीफ में बनाना है, वन टू थ्री फोर। फिर चेन टू, फिर रिपीट करेंगे सेम स्पेस में, वन टू थ्री फोर। फिर चेन वन। अब हमारे को इस वाले जिसमें हमने टू लीव्स बनाई है इसमें फिर रिपीट करना है, फिर सेम स्पेस में फोर टाइम्स बनाना है हमारे को, फिर चेन वन। इस तरह से हमारे को पूरे राउंड में करना है, तो मैं पूरा राउंड में यहाँ तक फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे को यहाँ पर इस पर स्लिप स्टिच करना है, फिर सेम पैटर्न यूज करेंगे हम, टू थ्री फोर। चेन टू, सेम स्पेस में रिपीट करेंगे, वन टू थ्री फोर। चेन टू, उनमें हमने चेन वन बनाई थी स्पेस के लिए, अब हमारे को इस स्पेस में चेन टू करनी है, फिर हम रिपीट करेंगे, थ्री और ये फोर। फिर चेन टू, फिर हम रिपीट करेंगे, वन टू थ्री फोर। फिर चेन टू, फिर ये वाला स्पेस नहीं, ये जो दो लीव्स हमने बनाई थी इनके बीच में फिर से हमारे को रिपीट करना है, फोर।
फिर चेन टू, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर, चेन टू। इस तरह से हमारे को ये राउंड बाय राउंड ऐसे ही करना है। मैं ये टू राउंड्स इसी पैटर्न से करूँगी जिसमें हमारे चेन टू स्पेस में रहेगी हर बार। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके इसके बाद एक राउंड और कंप्लीट करके, दो राउंड कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पर वापस मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया हमारा, थर्ड राउंड। अब हम फोर्थ राउंड में फिर से यही पैटर्न रिपीट करेंगे, टू, थ्री, फोर, चेन टू, और सेम स्पेस में फिर से वन, टू, थ्री, फोर। वन, टू और थ्री। इस बार हमारे को चेन जो स्पेस देना है हमारे को थ्री चेन का देना है, बस ये डिफरेंस है। अभी से हम पहले चेन टू कर रहे थे, वन, टू, थ्री, फोर, अब की बार हमारे को चेन थ्री करना है। चेन टू हमारे को जो इसमें स्पेस देना है वो चेन हमारी चेन टू ही रहेगी, वन, टू, थ्री, फोर। टू और ये थ्री, इस तरह से ये बीच में जो चेन आएगी वो थ्री आएगी और हमारे को पूरा राउंड इसी तरह से करना है। बीच में चेन थ्री का दे रहा है जो स्पेस, बाकी पैटर्न सेम है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको फिर से यहाँ पर मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट होगी मेरी वाइट की रोज़। अगर आपको लगता है कि ये छोटा है और आपको इसको थोड़ा और बड़ा करना है तो आप ये वाइट की जो लाइंस हैं, रोज हैं, सॉरी राउंड्स हैं, उनको आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने चेन थ्री बीच में स्पेस दिया है, आप चेन फोर का स्पेस दे सकते हैं, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो मेरे को अब नया दूसरा कलर लगाना है अपना, तो मैं पिंक लगाऊंगी, ऑलरेडी जो मैंने ये वाला लिया है। स्टार्ट करते हैं। पैटर्न सेम है, वन, टू, थ्री, फोर। चेन टू, वन, टू, थ्री, फोर, चेन, यहाँ पर चेन टू का स्पेस देना है हमको अब की बार। और जो हमने ये चेन थ्री का स्पेस बनाया था, अब हमारे को इधर बनाना है, वन, टू, थ्री, फोर।
सॉरी वन टू थ्री फोर चेन टू स्पेस देने के लिए सेम स्टिच में हमारे को सेम स्पेस में ही हमारे को दोबारा से रिपीट करना है वन टू थ्री फोर चेन टू अब हमारे को इसमें बनाना है वन टू थ्री फोर चेन टू वन टू थ्री फोर वन टू चेन टू इस तरह से फ्रेंड्स हमारे को पूरा राउंड करना है इसमें स्पेस में बनाना है फिर इसमें बनाना है इसमें भी हमारे को दो बार बनाना है इसमें भी दो बार बनाना है और इसमें बस जो स्पेस है चेन का वो चेन टू का लेना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको यहाँ पर मिलती हूँ। यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे और अपनी वूल को कट कर देंगे। देखिए हमारा ये पिंक वाला जो शेड है वो वाला उसका भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना सेकंड कलर दूसरा कलर लगाते हैं। ये मैंने ग्रीन लगाया, आपका जो कलर है वो लगाइएगा। चेन वन टू थ्री और फोर चेन टू। अब की बार हमारे को सेम स्पेस में नहीं बनाना, जो हमने चेन का जो स्पेस दिया था इसमें हमारे को बनाना है। तो पैटर्न सेम है वन टू थ्री फोर चेन टू। अब हमारे को ही सिंगल फिर इसमें बनाना है वन टू थ्री फोर वन टू। तो इस तरह से हमारे को हर इसमें स्पेस में सिंगल सिंगल बनाना है, रिपीट नहीं करना, और बीच में जो स्पेस देना है हमारे को चेन टू का देना है। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पर वापस मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारे को नेक्स्ट राउंड करना है, तो इसमें मैं अपना वाइट कलर रिपीट कर रही हूँ। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं सेम तरीके से।
चेन वन करना है और वापस पैटर्न वही है, वन टू थ्री फोर। चेन टू, अब हमारे को नेक्स्ट में रिपीट करना है। और ये फोर, चेन वन टू। अभी भी हमारे को सिंगल सिंगल ही बनाना है। अब नेक्स्ट चेन में वन टू थ्री फोर, वन टू। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे को अपना पूरा राउंड करना है वाइट से। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको वापस मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे को इसके ऊपर एक और राउंड को करना है। सेम प्रोसीजर है, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद एक बार और स्लिप स्टिच, फिर चेन वन और सेम पैटर्न, टू थ्री और ये फोर। टू और थ्री, अब की बार हमारे को चेन थ्री करनी है और नेक्स्ट पीस में वन टू थ्री और फोर। वन टू थ्री, टू थ्री फोर थ्री। इस तरह से हमारे को चेन थ्री करके, और पहले हमने चेन टू किया था, अब चेन थ्री करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, और अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देते हैं। और अपना वूल कट कर देते हैं। ये देखिए, अब इसमें हमारे को अपना नेक्स्ट कलर लगाना है। मैं अपना ये ग्रीन कलर लगा रही हूँ। आपके पास जो कलर हो वो लगाइएगा, या आपको जो लगाना हो वो लगाइएगा। सेम तरीके से ही स्टार्ट करेंगे। पहले इसको सिक्योर कर लेते हैं।
चेन वन, सेम पैटर्न, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री। इसके ऊपर हमारे को दोबारा से चेन बनानी है और इसमें हमारे को फिर से पैटर्न को, सेम पैटर्न को यूज़ करना है। वन टू थ्री और ये फोर, और हम इसको वन टू थ्री, अब हम इसको वापस से इसमें से वूल को निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम बनाएंगे एक बार और फिर चेन, वन टू थ्री। अब हमारे को ये नेक्स्ट वाले में पैटर्न सेम यूज़ करना है। वन टू थ्री फोर, अब की बार हमारे को इसको थ्री चेन में जो हमने एक स्टिच बनाया था तो उसको हमारे को अब इसको कंप्लीट करना है। अब हमारे को फिर से चेन बनानी है थ्री, और सेम पैटर्न हमारे को फिर से इसमें से निकालना है। वन टू थ्री और ये फोर, फिर चेन थ्री, और हम इसमें से फिर से निकालेंगे अपने वूल को और यहाँ हम देंगे स्लिप स्टिच। फिर बनाएंगे चेन थ्री, फिर नेक्स्ट स्पेस में वन टू थ्री फोर, इसमें इसमें से हमारे को नहीं निकालना। अब हमारे को तीनों को एक साथ निकालना है। फिर चेन वन टू थ्री, फिर हमारे को इस स्पेस में से फिर हमारे को बनाना है, सॉरी ए वन टू थ्री और ये फोर, वन टू थ्री। फिर सेम स्पेस में से निकाल कर हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है। फिर हम चेन थ्री, वन टू और थ्री। तो फ्रेंड्स, ये वाला पूरा ये जो पैटर्न है हमारे को पूरे राउंड में यूज़ करना है, तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको यहाँ पर वापस मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसको स्लिप स्टिच कर देते हैं। यहाँ थ्रेड कट करते हैं।